भाजपा से मिलने के कहाँ कोई प्रमाण है? और मैं कहता हूँ, क्या नीतीश कुमार भाजपा से मिल करके सरकार नहीं बनाए हैं क्या? अगर मिलने होगा हमको तो भाजपा अंत्यज है क्या? लालू जी भाजपा से मिलकर सरकार नहीं बनाए हैं क्या? तो नीतीश कुमार कौन मुँह से बोलते हैं कि भाजपा के साथ जा रहे हैं और भाजपा बहुत खराब पार्टी है? जब क्या तो कहा जाता है कि सब कुछ खा लिया उसके बाद आज परहेज करते हैं, बतावें कि भाजपा के साथ सरकार नहीं बनाए हैं? वो तो सिर्फ चीफ मिनिस्टर रहने के लिए ऐसा करते रहे, कभी भाजपा कभी राजद, और आज तेजस्वी जी को आज लॉलीपॉप दिए हुए हैं। मैं कहता हूँ दावे के साथ कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनावेंगे वो, और हो सकता है एक ऐसा समय कि देख लीजिएगा कि वो एनडीए के साथ चले जाएंगे और तेजस्वी जी को अंगूठा दिखला देंगे। मतलब आपके पीछे पीछे वो भी आ जाएंगे? अब आवेगी नहीं पीछे की कौन, हम अभी कहाँ, हम तो अभी इंडिपेंडेंट हैं। 18-19 तारीख को हमारी कार्यकारिणी की बैठक है, हम बिना लोगों का राय लिए हुए कुछ नहीं करेंगे। हमारी राय 18-19 तारीख को होगी। 19 तारीख को अगर कहेंगे कि आपको क्या करना है, उसी आलोक में करेंगे। लेकिन इतनी बात जरूर कहते हैं, हमारी छोटी पार्टी है और अमरलता को आप देखा होगा, अमरलता हरा रहने के लिए, फलने फूलने के लिए किसी का सहारा वो लेता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमको भी अपने जो ये सब जो सिद्धांत है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, मजबूत होने के लिए हमको किसी न किसी रूप में सहारा लेना पड़ेगा, चाहे वो पार्टी जो हो। वो 19 तारीख को अगर जो हमको निर्देश मिलेगा उसके आलोक में काम करेंगे। बीजेपी अप्रोच कर रही है? हमको अभी कुछ पता नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी हैं, उनको अप्रोच किया होगा तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अभी हमको कोई अप्रोच नहीं किया और हम अभी अप्रोच करने की स्थिति में भी नहीं हैं, जब तक कि 19 तारीख को हमारा एग्जीक्यूटिव के लोग, नेशनल एग्जीक्यूटिव के लोग डायरेक्शन नहीं देंगे तब तक हम कुछ नहीं करेंगे।